गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे एक्सप्लेन अबाउट दिस नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जिसमें इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया कि हाउ मेनी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कि पूरे फोटोसिंथेसिस में कितने पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमने फोर टाइप्स ऑफ पिगमेंट की बात किया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड, जिसमें से जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स इज ए थायलेकोइड्स पिगमेंट which is trap of the solar energy and transfer of chlorophyll A. Understand? कि ये जो है ट्रांसफर कर दिया, क्लोरोफिल ए को दे दिया. Understand? उस कंडीशन में अब हम ये देखेंगे, ये तो इस लेक्चर से ये पता हमें चल गया कि वास्तव में किस वेवलेंथ की लाइट जो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे अधिक एब्जॉर्ब होती है और उसका पिक क्या होता है, कितने वेवलेंथ पे सबसे अधिक पिक होगा. तो उसमें हमने देखा कि जो पिक सबसे अधिक हो रहा है वो आपका क्लोरोफिल बी का, अंडरस्टैंड, और ये 400 to 30 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट पे पड़ रहा है, अंडरस्टैंड, जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अधिक है, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अधिक है, अंडरस्टैंड. आज हम ये बताने वाले हैं आपको इस टॉपिक में कि व्हाट इज द लाइट रिएक्शन. टॉपिक का नाम है टॉपिक व्हाट इज द लाइट रिएक्शन, कि वास्तव में लाइट रिएक्शन है क्या. ठीक है, लाइट रिएक्शन इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन. इसमें ये बता रहा है पहला पॉइंट कि यह आपका जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन है. अंडरस्टैंड, और इस फोटोकेमिकल रिएक्शन में जहां पर कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यहां पे लाइट जो है इन्वॉल्व होगी, क्योंकि इसका नाम ही है लाइट रिएक्शन. दो तरह की कंडीशन हम लोगों ने देखा था, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन. अंडरस्टैंड, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि वो डार्क रिएक्शन जो है अंधेरे में होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं, उसके लिए लाइट की कोई बेसिकली नीड नहीं है, अंडरस्टैंड. और ये डार्क रिएक्शन ऑलरेडी जो है कंप्लीट होता है थायलेकोइड्सली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा, फ्लूट स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है. इसलिए डार्क रिएक्शन को कलेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, अंडरस्टैंड, जहां पर कि ये टाइम टू टाइम कलेक्शन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है C6H12O6. अंडरस्टैंड, दूसरी कंडीशन है कि डार्क रिएक्शन को हम केल्विन रिएक्शन भी कहते हैं, अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट था यहां पर लाइट रिएक्शन, कि लाइट रिएक्शन होता क्या है, इसको हमने नाम दिया यह एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज होंगे और ऑक्सीजन भी उसके साथ साथ रिलीज होगा. ये तो कंफर्म हो गया है कुछ एक्सपेरिमेंटों के थ्रू कि जो ऑक्सीजन हमारे इन्वॉल्वमेंट में रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, PH2O से होती है. अंडरस्टैंड,
तो ऑलरेडी ये आपको प्रूफ हो चुका है कि जो ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट में फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिलीज होती है वो आपका H2O से न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अंडरस्टैंड? तो अब यदि हम इसको रिएक्शन में राइट करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तब हम लोग चलेंगे लाइट रिएक्शन में कि लाइट रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, जहां पर कि इनमें दो तरह की कंडीशन बताएगा आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। अंडरस्टैंड? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अंडरस्टैंड? तो आइए हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिलीज होकर के कैसे एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करते हैं और ये कौन कौन से इवेंट इसके अंदर हो रहे हैं। सबसे पहले हम ये राइट करें कि लाइट रिएक्शन जो होती है ये आपका C6H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू C6CH12O6 प्लस 6O2। अंडरस्टैंड? 6O2। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर जो है 6H2O एंड 6CO2 C6H12O6 प्लस 6O2, ये पहले रिएक्शन थी। दूसरी रिएक्शन हम राइट करने जा रहे हैं कि H2O प्लस CO2 इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। थोड़ा देखिएगा, निल्स ने बता दिया कि भाई जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो आपका H2O से होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 12 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका H2O में 6 मॉलिक्यूल है, तो कहीं ना कहीं 6 मॉलिक्यूल CO2 से भी यहाँ जो है ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन ये हुई कि अब उसके बाद जो स्प्लिट करके जो है आपको रिएक्शन बताया गया, उस कंडीशन में यहाँ पे जो 6O2 और 6H2O रिलीज हो रही है, तो अब यहाँ पे हम इसको 12 मॉलिक्यूल रखते हैं और इसको 6 मॉलिक्यूल रखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर C6H12O6 तो बन रहा है, लेकिन 6O2 इसके पास जो है 12 मॉलिक्यूल है, तो 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का भी है, H2O आपका जो है 12 है, तो 12 आपका ये आपका जो है 24, यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई हाइड्रोजन की, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ और 12 हाइड्रोजन यहाँ, ये 24 हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड? तो अब इससे प्रूफ होता है कि ये रिएक्शन हमारा जो है रॉन्ग है और ये रिएक्शन हमारा सही है। अंडरस्टैंड? तब ये प्रूफ हुआ कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो H2O से है न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन ये होती है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, तो अब जैसे मान लीजिए कि H2O है, इस पर आपका लाइट रिएक्शन फॉल डाउन हुई, ठीक है। अब ये क्या कर जाएगा भाई, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि ये ट्वाइस एच प्लस टू इलेक्ट्रॉन प्लस टू प्रोटॉन में चेंज हो गया ये। अंडरस्टैंड? दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन इससे क्या कर गए, रिलीज हो गए, ऑक्सीडाइज हो गया। अंडरस्टैंड? अब यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही लाइट जो है एब्जॉर्ब होती है तो वहाँ पर जितने पिगमेंट्स होते हैं उस लाइट को रिसीव करते हैं, और किसी भी सेल के अंदर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि
कि किसी भी सेल के अंदर, किसी न्यूक्लियस के अंदर, कौन सा न्यूक्लियस, एटम की न्यूक्लियस, अंडरस्टैंड, और वहां पर यदि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेती है, अंडरस्टैंड, एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब करेगी, तो वहां से ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस को छोड़ करके आउटर ऑर्बिट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, अंडरस्टैंड। इसी बात को हमें समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो किस कंडीशन में एटीपी बनाएगा और किस कंडीशन में एनएडीपी एच प्लस एच का फॉर्मेशन करेगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जिसमें कि इसके थ्रू जो है इसी इलेक्ट्रॉन को यूज करके, अंडरस्टैंड, इसी इलेक्ट्रॉन को यूज करके ये हाई एसिमिलेटरी पावर बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। जब हाई एसिमिलेटरी पावर बनाने का ये काम करेगा तो उस कंडीशन में जहां पर ये बनाएगा आपका Na ATP ATP एंड NADP H+, इस तरह की कंडीशन क्या हो गई कि ये दोनों जो है हाई एसिमिलेटरी पावर एनर्जी, और यही हाई सिमेट्री पावर एनर्जी जो होती है ये ट्रांसफर हो जाती है ग्रेनम से स्ट्रोमा में, जहाँ पर डार्क रिएक्शन होता है। तभी तो हमने कहा कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि अंधेरा में होता है, ये नहीं कि जो है वहाँ पर उसको डार्क की ज़रूरत है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है, उसको अंधेरे से या लाइट से कुछ लेना ही देना नहीं है, अंडरस्टैंड। ये जो एसिमेट्री पावर बनी है लाइट रिएक्शन में, यही एसिमेट्री पावर जो होती है ये ट्रांसफर कर जाती है ग्रेनम से स्ट्रोमा में, क्योंकि ग्रेनम में जो होता है लाइट रिएक्शन होता है। अब ग्रेनम इज द ग्रुप ऑफ थायलेक्वाइड्स, अंडरस्टैंड, और थायलेक्वाइड्स को हमने बताया कि थायलेक्वाइड्स पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल जो केवल क्या करेंगे, एनर्जी को पिकअप करेंगे, अंडरस्टैंड, और जब एनर्जी को पिकअप करेंगे तो तुरंत आवश्यकता से अधिक एनर्जी होगी तो ये तुरंत एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ देंगे ये, अंडरस्टैंड। तो इसी पॉइंट को हमें क्या करना है, समझना है थोड़ा सा, अंडरस्टैंड, कि वास्तव में ये कंडीशन जो है कैसे हो रही है, अंडरस्टैंड। अब आइए अपने पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, कि अब इस तरह का हाई एसिमेट्रिक पावर जो है ये जो बन रहा है एटीपी एंड एनएडीपी, तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई कि सभी पिगमेंट, जितने भी पिगमेंट होते हैं, ये आपके आ रहा है बात कंडीशन में, ये पिगमेंट जो होते हैं, ठीक है, यहां पर क्या बनाते हैं भाई, टू डिस्क्रिट ग्रुप बनाते हैं, टू डिस्क्रिट ग्रुप, अंडरस्टैंड, और इनका उनको कहा जाता है फोटोकेमिकल। अब इन दोनों को पॉइंट करके बोल दिया जाएगा कि अब यहाँ एक तो ऐसे लिख दीजिए कि अब ये आपका फोटोकेमिकल, अंडरस्टैंड, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब ये फोटोकेमिकल जो होता है इसको नाम देते हैं हम LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टैंड, इसका नाम देंगे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टैंड, इसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब ये क्या है, पिगमेंटों का ग्रुप, इसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होंगे भाई, ये आपका पार्ट होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसका नाम दिया जाएगा फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, या इसको एक और नाम दिया जाएगा PS1, अंडरस्टैंड, और दूसरे का नाम दिया जाएगा फोटो सिस्टम सेकेंड, या इसका नाम दिया जाएगा PS2, अंडरस्टैंड।
दो तरह की कंडीशन हो गई। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसका नाम दिया गया, अंडरस्टैंड कि अब ये पिगमेंट जो होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गेनाइज होकर के बनाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है टू सिस्टम में ऑर्गेनाइज होते हैं, एक आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है और एक आपका फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। इनका नेमिंग जो है फंक्शन के बेस पर नहीं रखा गया है, इनका नेमिंग इनके डिस्कवरी के बेस पर रखा गया है कि सबसे पहले जो इस फोटो सिस्टम को जो है सर्च हुआ, डिस्कवरी हुई, उसको नाम रखा गया फोटो सिस्टम फर्स्ट। मतलब इस सिस्टम को पहले जो है डिस्कवरी की गई और जिसको बाद में डिस्कवरी की गई तो उसका नाम रखा गया फोटो सिस्टम सेकेंड, अंडरस्टैंड। लेकिन फंक्शन के तौर पर देखेंगे आप, अंडरस्टैंड, इसके फंक्शन के बेस पर ही देखते हैं तो सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड ही वर्क करेगा, अंडरस्टैंड, फोटो सिस्टम सेकेंड वर्क करेगा। अब ये फोटो सिस्टम सेकेंड जो वर्क करेगा, ठीक है, तो जो LHC होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें जो होते हैं कितने पिगमेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं आपका, अब ये हम राइट करें कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ 100 पिगमेंट, कितने पिगमेंट का बना होता है, 100 पिगमेंट होते हैं इसमें, अंडरस्टैंड, 100 पिगमेंट होंगे किसमें, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है मोर देन वन, अंडरस्टैंड, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब ये जटिल स्ट्रक्चर, तो उसमें आपके जो पिगमेंट होंगे ये 100 पिगमेंट होंगे जो बनाएंगे एक साथ मिल करके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टैंड। अभी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इस तरह के पिगमेंट बने क्यों भाई, क्योंकि ऑलरेडी ये डायरेक्टली रूप से जो होता है ये फोटो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए, अंडरस्टैंड, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बना दिया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक साथ मिल करके। जब ये एक साथ मिल करके, जबकि ये भी हम जानते हैं कि जो लाइट की वेवलेंथ होती है, जो सन सोलर सिस्टम में 7 टाइप की जो रे होती है जिसको हम विवग्योर कहते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस के समय जो है किस वेवलेंथ या किस कलर की लाइट को जो है फोटोसिंथेसिस यूज करती है, वो आपका ब्लू एंड रेड, ब्लू और रेड में सबसे अधिक जो है रेड को ऑब्जर्व किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, अंडरस्टैंड। अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब LHC आपका 100 पिगमेंट से बना है, ठीक है, तो अब ये 100 पिगमेंट में जो होता है इसमें एक पिगमेंट को आप छोड़ते हैं जहाँ पर कि क्लोरोफिल ए का 1 मॉलिक्यूल, 100 पिगमेंट में से क्लोरोफिल ए का 1 मॉलिक्यूल ये क्या करता है, रिएक्शन सेंटर बनाने का काम करता है, आर्यवसन में, या एक तरह से एंटीना का काम करता है। इस एंटीना क्या होता है, जितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है चारों तरफ से उसको कलेक्ट करने का काम करता है और कलेक्ट करके आपके डिस्प्ले पर दिखाने लगता है, अंडरस्टैंड। तो वही कंडीशन यहाँ पर होती है आपका किसका, रिएक्शन सेंटर का, और रिएक्शन सेंटर कौन है, क्लोरोफिल ए का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल, अंडरस्टैंड। कैसे, थोड़ा सा देखते हैं कि क्लोरोफिल ए का केवल 1 मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर का काम करेगा, तो रिएक्शन सेंटर में जो होगा इसको जब दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, तो फोटो सिस्टम सेकेंड में, अंडरस्टैंड, ये आपका क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम सेकेंड हो, आपका PS फर्स्ट हो या आपका PS सेकेंड हो, अंडरस्टैंड, इसमें क्लोरोफिल ए जो होगा उसका एक मॉलिक्यूल दोनों में रिएक्शन सेंटर का काम करेगा, ठीक है, इसमें आपका क्लोरोफिल ए, अंडरस्टैंड, क्लोरोफिल ए का 1 मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रिएक्शन सेंटर का काम कर रहा है, अंडरस्टैंड। अच्छा, ये रिएक्शन सेंटर का काम करेगा तो इसके चारों तरफ और पिगमेंट क्या होंगे, पेरिफेरी जो है क्या करेंगे, प्रेजेंट होंगे, और बीच में क्या होगा, आपका रिएक्शन सेंटर होगा जिसमें क्लोरोफिल ए का 1 मॉलिक्यूल है, अंडरस्टैंड। अब जब ये 1 मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल, तो उस कंडीशन में यही आपका क्लोरोफिल ए जो है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में जिसको हम
क्या कहेंगे, एंटीना का नाम देंगे, एंटीना। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन होती है कि थोड़ा सा इसको हम ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। ग्राफ के थ्रू देखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब कंडीशन ये है कि ये आपका जो है रिएक्शन सेंटर, अंडरस्टैंड, ये इसको हम क्या नाम दिया, रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ए का वन मॉलिक्यूल, अंडरस्टैंड। और इसके चारों तरफ जो होंगे क्या प्रेजेंट होंगे, इसके चारों तरफ जो है प्रेजेंट होंगे आपके पिगमेंट, अंडरस्टैंड। और ये पिगमेंट जो होते हैं क्या करते हैं, सोलर सिस्टम। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये सन है, सन, ठीक है। और उस कंडीशन में ये आपका सन जो है क्या कंडीशन होती है भाई, कि इसमें जो होता है आपका ये लाइट एनर्जी जो है यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, लाइट एनर्जी पड़ेगी। तो ये आपका जो है इसको कहते हैं, पूरे सिस्टम का नाम देंगे हम एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये पूरा सिस्टम कहलाएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और एक होगा आपका प्राइमरी, प्राइमरी एक्सेप्टर, अंडरस्टैंड, प्राइमरी एक्सेप्टर। तो कंडीशन क्या होगी इसमें, अभी हमने बताया कि एलएचसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ 100 पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए के एक मॉलिक्यूल जो होगा इसमें रिएक्शन सेंटर का काम करेगा, अंडरस्टैंड। अब ये रिएक्शन सेंटर का कैसे काम करेगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि अब ये आपकी लाइट जो है आकर के क्या कर रही है, यहाँ पे फॉल डाउन हो रही है। अगर फॉल डाउन होगी तो क्या करेगा, ये आवश्यकता से मतलब कि 700, 682, 700। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है, अंडरस्टैंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, PS फर्स्ट, ये कितने वेवलेंथ की लाइट को जो होता है एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ तक, 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तब जाकर के ये आपका पिक्सल की डिस्टिक में आएगा, इतने रेंज का, अंडरस्टैंड। जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड जो होता है ये आपका 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, अंडरस्टैंड। इस बात को तो आप एकदम कंफर्म कर लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे, अंडरस्टैंड, कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है कि मैक्सिमम लेंथ की कंडीशन क्या होती है, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद फोटो सिस्टम सेकेंड जो होगा ये आपका 650 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तभी एक्साइटेड स्टेट में आएगा, अंडरस्टैंड। तो सपोज करिए कि यहाँ पे आपका 680 to 700 नैनोमीटर की लाइट यहाँ पे फॉल डाउन हो रही है। अब जब ये फॉल डाउन होगी तो यहाँ पर जितने पिगमेंट पड़े हुए हैं ये सभी पिगमेंट क्या करेंगे, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनके अंदर आवश्यकता से अधिक जो है एनर्जी आएगी, अंडरस्टैंड। जब ये आवश्यकता से अधिक एनर्जी आएगी तो अभी हमने बताया कि कोई भी एटम का न्यूक्लियस है और वहाँ पर यदि एक्सेस अमाउंट में एनर्जी जो है एक्सेप्ट कर लिया है तो वो तुरंत क्या होगा, न्यूक्लियस को छोड़ देगा, ठीक है, वो अपने पेरिफेरी की कंडीशन मतलब आउटर सर्फेस चला जाएगा, उसके ऑर्बिट में लेकर के चला जाएगा, वो जंप कर जाएगा वो, अंडरस्टैंड। तो वही कंडीशन होती है कि अब ये क्या करेगा, ये सभी वेवलेंथ की लाइट को जो है 680 to 700 क्या करेंगे, जितने पिगमेंट इसके चारों तरफ पड़े हुए हैं, ठीक है, ये जो है एब्जॉर्ब किया तो ये इसको ट्रांसफर किया, ये इसको ट्रांसफर किया, ये इसको ट्रांसफर किया, और ये इसको ट्रांसफर किया, ये इसको ट्रांसफर किया, ऐसे जो है एक दूसरे से ट्रांसफर होकर के इलेक्ट्रॉन लीक होते चले जाएंगे। अब ये सभी जो है पिगमेंट उस जो है एनर्जी को कलेक्ट करके किसको ट्रांसफर कर देंगे भाई, ये ट्रांसफर करेंगे आपके रिएक्शन सेंटर को। यहाँ जो है क्या है, इसका नाम देते हैं हम रिएक्शन सेंटर, या इसका नाम एंटीना नाम देते हैं, यह एंटीना का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि ये सभी पिगमेंट जो होते हैं एनर्जी को कलेक्ट करके किसको ट्रांसफर कर दिए, क्लोरोफिल ए का जो वन मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर का काम कर रहा है उसको ट्रांसफर कर दिए। तो जब सभी एनर्जी लेकर के इसको ट्रांसफर करेंगे तो ऑलरेडी एक्सेस हो जाएगा।
अधरिक्षेस होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन को ये देगा प्राइमरी एक्सेप्टर को, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है सीधे निकल जाएंगे कहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन जो है सीधे निकल जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, अंडरस्टैंड। अब ये प्राइमरी एक्सेप्टर के पास निकलेंगे तो अभी क्या कंडीशन होगी, वो प्राइमरी एक्सेप्टर या तो पी एस फर्स्ट होगा या तो पी एस सेकेंड होगा, अंडरस्टैंड। ये तुरंत क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो होता है उस इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट जो है फोटो सिस्टम में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, अंडरस्टैंड। और यही एनर्जी जो है, यही इलेक्ट्रॉन जो होगा आगे चल करके क्या बनाएगा, आगे चल करके ये बनाएगा एटीपी और उसके बाद एनएडीपीएच प्लस, अंडरस्टैंड। अब एच प्लस कैसे, ये आप हम पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। जहाँ पर दो तरह के रिएक्शन आपको मिलेंगे, एक फोटो फास्फोरिलेशन मतलब ये साइक्लिक रिएक्शन और एक मिलेगा नॉन साइक्लिक रिएक्शन, एक जेट स्कीम बनाएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है, ये आपका क्या है, इसमें दो तरह की कंडीशन मिल गई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मिल गया, उस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ 100 पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, अंडरस्टैंड। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या कंडीशन हो गई, कि मतलब ये जितने पिगमेंट हैं क्लोरोफिल एक एक मॉलिक्यूल को छोड़ सकते, जितने पिगमेंट ये पूरे ग्रुप को बना रहे हैं, ये पूरा ग्रुप बना रहा है, ये पूरा सिस्टम ये बना रहा है क्या, एलएचसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टैंड। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसी तरह से, मतलब ये जो है पिगमेंट उसी तरह से पड़े होते हैं जैसे कोई निर्दलीय विधायक होता है, अंडरस्टैंड। उसको किसी पार्टी से लेना देना नहीं होता है, अंडरस्टैंड। लेकिन जो कंटिन्यू कर क्या हो जाएगा कि अब जो वोटिंग होगी और वो जीत जाएगा तो क्या करेगा, किसी पार्टी में विलय कर देगा अपने आप को। वही कंडीशन होती है कि सभी इलेक्ट्रॉन को जो होता है एनर्जी को कलेक्ट करके ये क्या कर दिए, रिएक्शन सेंटर में विलय कर दिए, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर दिए। अब ये रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो एनर्जी यहाँ से रिलीज कर देगा, ये चला जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, अंडरस्टैंड। और जो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा तो अब यहाँ से ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होने के बाद तब बनेगा एटीपी एंड एनएडीपीएच, अंडरस्टैंड। और ये एटीपी एंड एनएडीपीएच जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट होते हैं, इनका नाम दिया जाता है इन दोनों का हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट जिसमें एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये कंडीशन रही लाइट रिएक्शन की, लाइट रिएक्शन में H2O का ऑक्सीडेशन होगा प्रेजेंस ऑफ लाइट में और वो आपका एसिमिलेटरी पावर एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम एटीपी एंड एनएडीपीएच नाम देंगे। ये हाई एसिमिलेटरी पावर की एनर्जी होती है और यही एनर्जी ट्रांसफर होती है डार्क रिएक्शन में, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन जो करने वाला पॉइंट होगा द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, अंडरस्टैंड। आज रहा केवल आपका व्हाट इज लाइट रिएक्शन, कि लाइट रिएक्शन होती क्या है, ये सारे सिस्टम को आप थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज कर जाएंगे, अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।